तैयबा राजा, कोटलखपत जेल, लाहौर। दोस्तों को भी मिले दर्द की नेमत या रब, सिर्फ मेरा ही भला हो मुझे मंजूर नहीं। घर, हाँ घर याद आता है, माँ याद आती हैं। बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में। जिंदगी कभी आसान नहीं रही। हमेशा खुद को तसल्ली दी कि जिंदगी कभी किसी के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं करती। कभी शुक्र अदा किया तो कभी गिला। बस यूं जिंदगी गुजरती रही। एक तारीख, एक हादसा जिसने जिंदगी बदल कर रख दी है। 9 मई 2023। सुना था कि शोहरत हासिद और दुश्मन साथ लाती है। मैंने इसे पूरा होते देखा। बहुत सी शोहरत बहुत से हासिद और दुश्मन साथ लाई है। ये शोहरत जानबूझकर हासिल नहीं की। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी अच्छी शय इंसान खुद हासिल नहीं करता। ये परवरदिगार की अताएं होती हैं। बस मुझ पर भी अल्लाह की ये अता है। अगर कोई ये कहे कि 9 मई हादसा जानबूझकर या किसी के कहने पर किया गया तो उसकी अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। अल्लाह उन सबको सच और सही देखने की तौफीक अता करे। अल्लाह ने चाहा तो वक्त बदलेगा, सब बदलेगा। बहुत दुआ है, बहुत उम्मीद है। अंधेरा जितना भी गहरा हो रोशनी जरूर होगी। बस दुआ है कि सलामती से हो, अमन से हो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, मेरे पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है। खुदा करे अंधेरा जल्द खत्म हो और बेहतरीन सुबह हो। हमारे हुकूक, हमारी इज्जतें, हमारी राय रोंदी ना जा सके। जहां आजादी राय हो, जहां इज्जत सिर्फ चंद खानदानों और चंद ओहदों तक महदूद ना हो या उनका हक न समझी जाए। जहां उम्मीद बाकी हो। आमीन। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तैयबा राजा, कोटलखपत जेल, लाहौर।